हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो जैसे कि मैंने बताया था, मैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स फॉर क्लास 10 कराने वाला हूँ, ठीक है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स थंबनेल पे आपने देख ही लेगा लिया होगा। तो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। इसके पहले मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन किया था, ओके। तो उसमें एक पार्ट था कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो इसके बारे में हम आज जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अ सेंस कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको हम जानेंगे। और उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको इससे पहले ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से पहले पहले आपको सॉलिड्स के नेम पता होने चाहिए, कौन कौन से होते हैं और उनका TSA, LSA एंड वॉल्यूम। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो एक होता है क्यूब, फिर क्यूबॉइड, ठीक है, फिर आपका सिलेंडर दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, फिर कोन, देन स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ओके। ये सॉलिड्स हैं। तो इनके TSA, इसका होता है 6L², इसका होता है 2 LB + BH × HL एंड सिलेंडर का होता है आपका TSA है ना, हाँ, तो 2πR × R + H, ओके। एंड फिर आपका इसका हो जाता है πR × R + L, स्पीयर का है 4πR², हेमिस्फीयर का है 3πR², ओके। ये कैसे मैंने याद रखा है आप वो वीडियो देखो, आपको भी याद हो जाएगा अगर आप समझ गए तो, ठीक है। उसके बाद LSA में टॉप एंड बॉटम हटा देते हैं, तो यहाँ 6 है, 2 हट गया तो 4L², यहाँ पे आपका फॉर्मूला 2H × L + B हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ पाई आर एल होता है, सॉरी ये क्या है, सिलेंडर है ना, तो इट इज 2πRH, इट इज जस्ट 2πRH एंड देन यहाँ पे आपका पाई आर एल हो जाता है फॉर्मूला एंड स्पीयर का LSA नहीं है, ठीक है, सिर्फ TSA है, उसको CSA भी बोलते हैं। देन हेमिस्फीयर का है 2πR². वॉल्यूम क्या है, क्यूब का है L³, क्यूबॉइड का L × B × H, सिलेंडर का πR² × H, इसका सेम πR² × H बट डिवाइडेड बाई 3 और इसका है आपका 4πR³/3 और इसका है इसका आधा 2πR³/3। तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। ये सॉलिड्स इधर दिया गया है और ये सरफेस एरियाज दैट इज TSA LSA एंड हियर वॉल्यूम। तो क्यूब का ये है, क्यूबॉइड का ये, आप चेक कर सकते हो करेक्ट है या रॉन्ग, बाय चांस मिस्टेक हुआ तो आप उसको रेक्टिफाई कर लो टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो ये 9th में पूरा है। सो 9th का ही नेक्स्ट जो अगला पार्ट है वो है आपका 10th में। तो अगर 9th के कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए हो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का, तो ये चैप्टर भी आप इजिली कर सकोगे, ओके। चलिए तो अब क्वेश्चंस लेंगे एक एक करके, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, और ज्यादातर इस चैप्टर में सारे 1, 2, 3 या 4 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है। सो मिनिमम आपका 7 और मैक्सिमम 10 इतना आप मान के चलो, ठीक है। 7 तो आएगा ही 7 मार्क्स का एग्जाम में, तो एक एक करके देखेंगे हम, ठीक है। सो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको समझना है और उस बेसिस पे आपको डेटा निकालना है, ठीक है, ये सबसे जरूरी है। डेटा मतलब क्या क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है, बेस्ड ऑन दैट आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है और कुछ नहीं। अगर आपको फॉर्मूला आता है, कॉन्सेप्ट आप समझ लिए हो, तो इजीली इनको कर सकते हो, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल, ओके, एंड इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 360 cm³, then volume of cone is dash, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि the base radius and height of a circular cylinder, ये समझ लो ये cylinder है और वैसा ही एक cone होता, okay? तो दोनों का R और H अगर same होता, इसका भी R जो है इसका R same है और height भी same है, ठीक है, यहाँ से height बोलते हैं
और यहाँ आर, यहाँ भी सेम, ये पूरा हाइट हो गया और यहाँ से यहाँ आर। अब देखो बोल रहे अगर दोनों का इक्वल होता एंड इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 360, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है कितना 360 सेंटीमीटर क्यूब, देन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज डैश। तो देखो वॉल्यूम ऑफ मैं यहाँ पे सिलेंडर लिखता हूँ एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर एच, कोन का क्या है पाई आर स्क्वेयर एच बाय 3, मतलब ये जितना होगा देखो गौर से उसका ये थर्ड पार्ट होगा, तो ये है 360, तो ये क्या हो जाएगा 360 बाय 3 है कि नहीं। देखो पाई आर स्क्वेयर एच, यहाँ भी पाई आर स्क्वेयर एच, सिर्फ डिवाइडेड बाय 3 है क्योंकि आर और एच तो सेम ही है, तो ये अब जब आप सॉल्व करोगे सो 3 1 3 2 0, कितना है आपको वॉल्यूम ऑफ कोन, इट इज जस्ट 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, समझ में आया। तो देखिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, यहाँ जो दिया है डेटा उसको रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर देना। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस दिस, तो स्पीयर का सरफेस एरिया चाहे टी ए से बोला जाए, एल ए से, या जस्ट सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें सी एस इसमें एल ए से नहीं होता स्पीयर में, याद रखना, मतलब बॉल है भाई कहीं से कटाई नहीं है राइट, फुटबॉल को देखो तो सरफेस एरिया या टी ए से बोलो या सी ए से ऑल आर सेम। तो इसका फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। अब दिए हैं अगर रेडियस 7 है ठीक है, 4 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 7, तो 7 स्क्वायर है मतलब 7 × 7, तो बताओ कि एरिया क्या होगा। तो ये आप सॉल्व करो, ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये दो मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 4 × 8 8 88 × 7, फिर ये हो जाएगा 7 8 56 56 प्लस कितना हो जाएगा ये 61 राइट, तो 661 यहाँ सेंटीमीटर में है तो ये भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सी एस ए ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, तो देखिए फ्रस्टम ऑफ द कोन का फॉर्मूला हमें लिखना है ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी बता रखा था फ्रस्टम इसके पहले वाले वीडियो में, वहां पे भी आप देख सकते हो। तो ये कोन का जैसा ही है, कोन का सी एस ए, सी एस ए चाहे एल एस ए क्या है, इट इज पाई आर एल, ये किसका है कोन का, तो अगर कोन का याद है तो आप इसका भी लिख सकते हो, यहाँ भी सेम है पाई बट आर के बदले आर वन प्लस आर टू, क्योंकि दो रेडियस है यहाँ एक आर वन और यहाँ आर टू, तो ये है फॉर्मूला किसका सी एस ए ऑफ फ्रस्टम का। ओके तो ये सब आपको याद रख के जाना है, आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द टी एस ए ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, टी एस ए, तो टी एस ए मैंने ऑलरेडी बताया 2πr(r+h) ये है, अब आपको लिखना भी है पाई क्या है 22/7 ऐसे डायग्राम बना के, आर क्या है रेडियस, ये रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, एच इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, ऐसे भी रिप्रेजेंट करोगे तो मार्क मिल जाएगा, ये है क्या टी एस ए ऑफ द सिलेंडर। आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ ए सर्कुलर बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 22 cm² एंड इट्स हाइट इज 10 cm, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज डैश। तो देखो ऐसा आप मानो, फिगर बनाओ कभी भी समझने के लिए, दिया है द एरिया ऑफ ए सर्कुलर बेस, तो सर्कुलर बेस इसका एरिया दिया है, एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है कितना 22 cm और हाइट दिया हुआ है कितना 10 cm, फिर बोला है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो यहाँ ऑलरेडी दिया है पाई आर स्क्वायर 22 इंटू हाइट क्या है 10, तो जस्ट मल्टीप्लाई करो आपको मिल जाएगा 220 सेंटीमीटर है दोनों, तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो आंसर क्या आया 220 सेंटीमीटर क्यूब में है। देखो वॉल्यूम हमेशा क्यूब होता है, यहाँ देखो स्क्वेयर भी है क्यूब भी है, तो आंसर आपका सी है ना कि डी, डी नहीं है। ओके सो ऐसे आपको ये करना है, कुछ नहीं है बस कंफ्यूजन के लिए ऐसे दिया है, एरिया दे दिया ठीक है। आगे फॉर्मूला यूज टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर हुज रेडियस आर यूनिट, तो ये सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या है 4 पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पे आपको लिखना है स्क्वेयर यूनिट्स, क्यों क्योंकि आर यूनिट्स दिया था, आर मीटर देता तो आपका आंसर होता स्क्वेयर मीटर चाहे मीटर स्क्वेयर,
ठीक है, तो जो दिया होगा वैसे आपको लिखना है। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, द सर्फेस एरिया ऑफ द स्पीयर ऑफ रेडियस 7। तो ये शायद मैंने अभी कराया, रेडियस 7 ऑफ स्पीयर कहाँ है, किधर गया भाई। हाँ ये तो सेम 616, इसका भी आंसर 616 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड 10 बाई 5 बाई 2 सेंटीमीटर, फाइंड इट वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे दिया है कि एक सॉलिड आयरन है जिसका लेंथ है 10, ब्रेथ 5 और ये हाइट 2, तो जस्ट मल्टीप्लाई करो, सिंपल आंसर आपको मिल जाएगा। सो 10 को अकेला रखो, ये 5 2 10, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर पाए। अब 10 से 10, 10 से 100, ये सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर 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 बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये है आपका वॉल्यूम। ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था, है ना। ओके अभी इसीलिए बोल देता हूँ। नेक्स्ट, द सी एस ए ऑफ ए कोन इज 528 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 8, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो यहाँ पे कोन दिया हुआ है, तो कोन का फिगर अगर आप बनाओ तो कुछ ऐसे दिखेगा। ओके यहाँ पे क्या दिया, सी एस ए, तो सी एस ए लिख लेते हैं 528 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आगे क्या दिया, इफ द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब यहाँ से यहाँ आर दिया हुआ है कितना, इट इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट, एच इज इक्वल टू वाट। तो देखो एच दिया है, आर दिया है, सॉरी आर दिया है, सी एस ए, एच फाइंड करना है, तो सी एस ए का फॉर्मूला लिखो, द फॉर्मूला इज पाई आर एल, राइट। सी एस ए इज गिवन, हाउ मच इज सी एस ए, 528 इज इक्वल टू, पाई को 22/7 लिखो, आर हमें 8 दिया गया है, एल पता नहीं है, बट यहाँ तो पूछा गया क्या है एच, तो यहाँ ये ध्यान रखो, ये है पाइथागोरस थियरम, ये एल को स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये एच है और ये आर है, तो एल क्या होता है, एल स्क्वेयर इज एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होता है, तो अगर एल मिल गया आपको तो एच मिल जाएगा, एच क्या हो जाएगा एल स्क्वेयर, और ये उधर गया तो माइनस आर स्क्वेयर। ओके रूट में, क्योंकि स्क्वेयर है स्क्वेयर, आर एच एस मिल गया तो रूट, तो ऐसे मिलेगा एच आपको। उसके लिए क्या चाहिए, पहले एल चाहिए फिर आर, आर तो है ही, एल कैसे मिलेगा, एल मिल जाएगा आपको यहां से। तो अब कैसे करेंगे, तो देखो एल इज इक्वल टू, ये पूरा एल एच एस में भेज दो, तो ये एल एच एस में 528 ऑलरेडी था, 7 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में होगा, ये 22 इधर आएगा और 8 यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो ये 8 के टेबल में आता है क्या, देख सकते हैं, चाहे 2 से करते हैं, 2 4 8, और ये 2 2 2 6 2 4, ऐसा आया। फिर देखिए ये फिर से 2 से जाएगा, 2 2 4, और ये 2 1 2 3 2 2। ओके अब ये अगर यहाँ पे देखा जाए, फिर से 2 से जा सकता है, 2 1 और ये 2 6 12 2 6 12। अब ये देखो 22 और 66 कैंसिल होगा, 22 1 22 3, फिर बचा क्या 7 × 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 21 सेंटीमीटर क्या मिला, एल, एल मिल गया, राइट। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो एल को, तो एल क्या है भाई 21 स्क्वेयर माइनस आर क्या है, आर है 8 स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ तो बहुत ही छोटा हो गया, हाँ यहाँ नीचे लिखता हूँ, 21 स्क्वेयर कितना होता है, 441 माइनस 8 स्क्वेयर होता है 64, तो जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ये कितना मिलेगा, 11 में से 4 गया 7, है ना, 7 ही होता है ना, फिर ये 13 में से 6, 13 माइनस 6 इज ये भी 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 3। सो आप इतना लिख दो, आई गेस इट इज राइट, तो आप इतना भी लिखोगे तो चलेगा। ये देखिए किसके नज़दीक है 400, तो √400 कितना होता है 20, ये 20 से कम है, मतलब 19 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, आप इतना लिखो एग्जैक्ट, या सिर्फ इतना लिखो आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये 3 मार्क के क्वेश्चन हैं। ओके सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू फेसेस, अब यहां से शुरू होता है कंबाइंड का, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, राइट, यहां से होगा कंबाइंड फिगर्स का। देखिए कंबाइंड कैसे कर रहे,
द टू फेसेस ऑफ क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 ईच, मतलब दो क्यूब थे समझ लो, मैं ऐसा स्क्वेयर जैसा दिखेगा क्यूब, तो दो थे, दोनों क्यूब का वॉल्यूम क्या था 64, यहाँ भी 64 दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, ओके अब वो क्यूबॉइड जैसे दिख रहे हैं, मैच बॉक्स जैसे, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। अब फाइंड द टीएसए ऑफ द क्यूबॉइड, सो टीएसए ऑफ क्या फाइंड करना है आपको, क्यूबॉइड। तो देखो अगर मैं इसको आधा आधा करता यहां से, तो ये क्यूब क्यूब दिख रहा है, तो पहला क्यूब का वॉल्यूम दिया था, ये दूसरा क्यूब का, ज्वाइन कर देंगे टीएसए। अब बोले क्या, ये जो नया फॉर्म हुआ है उसका फाइंड करो, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है टीएसए, इट इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब आपको एल बी और एच फाइंड करना है, किसका, इनका। तो देखो एक दिया हुआ है वॉल्यूम इज इक्वल टू 64, ये किसका है, क्यूबॉइड का, क्यूब का, सॉरी क्यूब का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, वॉल्यूम इज एल क्यूब विच इज 64, तो एल क्या हो जाएगा, इट इज क्यूब रूट ऑफ 64, ये क्यूब रूट क्या होता है 4, मतलब लेंथ क्या है 4, मतलब यहाँ भी 4 होता, ये भी 4, ये भी 4, तो अगर इनको ऐड किया जाए ये और ये, तो 4 4 8 हो जाएगा, मतलब L क्या मिल रहा है 8, ये क्या होगा, ये भी L ही है, वो तो सेम ही रहेगा 4, ठीक है। और बेस ये भी कितना रहेगा, ये भी L ही कहलाएगा ना, तो सॉरी B कहलाएगा, ये ब्रेड्थ, तो B भी हो जाएगा 4, सिर्फ लेंथ चेंज हुआ क्योंकि उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो 4 और 4 8 हो गया, बस अब सब्सटीट्यूट कर लो 2 इंटू एल बी, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखो 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, राइट। जब आप सॉल्व करोगे तो ये 32 प्लस 16 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 2 8 2 10 3 3 6 एक 7 और एक कैरी 8, 80 हुआ, मल्टीप्लाई करे तो कितना हो जाएगा 60, राइट। तो ये क्या हो जाएगा TSA ऑफ सॉरी 160, TSA ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म इज 360 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ऐसे सॉल्व करना है ना इजी, राइट। तो ब्रैकेट सबसे पहले करो, सब्स्टिट्यूशन सही होना चाहिए बस, ओके। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और ये सारे के सारे अब जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, 4 मार्क टाइप्स 4 मार्क्स, तो इजी है, कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं मतलब खराब करना है देख के क्वेश्चन कि ये कैसा दिख रहा है, क्वेश्चन समझिए अपने आप कर लोगे। देखो ये कंबाइंड फिगर्स है, यहाँ पर अगर गौर से देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या दिया है, अ मिल्क टैंक इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with hemisphere of the same radii attached to both ends as shown in the figure, okay, if the total height of the tank is 6 meter, okay, and radius is 1 meter, ye hai radius, if it is 1 meter, calculate the maximum quantity of milk filled in the tanks in liters, maximum quantity of milk, समझ लो ये टैंक है, इसका शेप कैसा है, अगर गौर से अब अगर आप देखते इसको, तो एक तो यहाँ पे क्या है सिलेंडर, राइट। अब यहाँ बॉटम में एक हेमिस्फीयर ज्वाइन कर दिए, ये भी हेमिस्फीयर, राइट। तो वॉल्यूम जो होगा, मतलब इसमें किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, दोनों हेमिस्फीयर, सॉरी कितने स्पीयर हैं, दो सेम है, तो इसीलिए 2 times ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और कुछ नहीं करना आपको, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 2, क्योंकि 2 है यहाँ टॉप पे एक बॉटम पे, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या, ये हेमिस्फीयर क्या है, इट इज 2πr³/3 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इट इज πr² / h। अब देखो यहीं पे आप क्या कर सकते हो, या तो सेपरेट वॉल्यूम ऑफ स्पीयर सेपरेट फाइंड करो एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेपरेट फाइंड करो, देन सब्स्टिट्यूट करके ऐड कर देना, या फिर देखो रेडियस सेम है दोनों का, ये जो यहाँ पे है क्या हेमिस्फीयर इसका और इसका क्या सेम है, रेडियस
है ना, कोन सिलेंडर का भी और हेमिस्फीयर का भी। तो आप रेडियस कॉमन ले सकते हो, पाई भी कॉमन ले सकते हो, राइट। तो ये देखो यहाँ ये क्या हो जाता, अगर पाई और आर स्क्वेयर में कॉमन लूंगा, है ना, क्योंकि आर स्क्वेयर दोनों में है, तो यहाँ बच क्या जाता, 2 2 4 r/3 बचता, है ना, प्लस यहाँ पे क्या बचता, 1/h बचता, राइट, और कुछ नहीं। तो पाई का वैल्यू ये लोग बोले हैं 22/7 इंटू रेडियस क्या है भाई, इट इज 1, इजी है, 1 इंटू 1 लिख दो बार, 1 स्क्वायर इंटू 4 इंटू रेडियस 1 है डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 बाई, देखो अब h, ये h किसके लिए है, सिलेंडर के लिए, तो आपको सिर्फ सिलेंडर का हाइट लिखना है यहाँ से यहाँ। सो टोटल दिया है 6 मीटर, करेक्ट। अब रेडियस यहाँ 1 मीटर माइनस हो गया किसके लिए, इस हेमिस्फीयर के लिए, और यहाँ 1 मीटर माइनस हो गया, तो 6 में से यहाँ वन चला गया, तो यहाँ बचा कितना, इट इज जस्ट 4। तो ये क्या है, ये 4 है, देखो मिल गया आपको। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे 22/7 होगा, और ये हो जाए आपका 4/3 प्लस 1/4। अब इसको जब आप आके सॉल्व करोगे, सो ये 22/7, और यहाँ हो जाएगा एलसीएम लो, तो 3 4 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4 16 प्लस 3 1 3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, सो 22/7 इंटू 16 प्लस 3 कितना होता है, 18/12, राइट। तो इसको आप क्या कर सकते हो, देखो ये 2 से जाएगा, 2 6 जा, ये 2 3 जा, 2 11 जा, राइट। अब आगे ये 6 1 जा, 6 3 जा, तो कितना मिला, ये 11 3 जा, 33 डिवाइडेड बाई 7 मिला आपको, 33/7 मिल गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो ये आपको 33/7 जब करेंगे, तो 7 5 4 28 मिलेगा, और यहाँ आपको 13 में से 5 गया 8 गया, 13 में से 8 5, ये 0 पॉइंट डाल दो डेसिमल, 7 6 42 7 7 49। तो चलो 4.7 के पास आ रहा है। ये यूनिट क्या होगा इसका, वॉल्यूम का, इसका यूनिट सब किस में, मीटर में, तो ये मीटर क्यूब ही होगा, बट यहाँ पे क्या बोला है, क्वांटिटी ऑफ इन लीटर, राइट, लीटर दिया है, तो आपको ये लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट करोगे, सो देखो ये याद रखना कि 1 मीटर क्यूब जो होता है, इसमें 1000 लीटर होता है, कितना, 1000 लीटर। तो 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, डिवाइड बाई 1000 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा किसमें, मीटर क्यूब में, बट यहाँ पे ऑलरेडी ये मीटर क्यूब है, इसको लीटर में चेंज करना है, तो मीटर क्यूब को लीटर में करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.7 इंटू 1000, तो 4 7 1 2, राइट, 20 क्या हो जाएगा, ये लीटर, समझ में आया आपको, 4.7 इंटू 1000 इज 4700 लीटर, ओके। सो दिस इज द आंसर। तो इसमें आपको कुछ करना था नहीं, बहुत ही सिंपल था, आपको बस क्वेश्चन समझना है और बेस्ड ऑन दैट सब्स्टिट्यूट करना, और कुछ नहीं, है ना, स्टेप यही है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जो भी जिस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, इसी स्टेप में, इसी मेथड में आपको उसको सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी सेम उसी टाइप का, द बॉटम क्या दिया है, द बॉटम ऑफ ए राइट सिलिंड्रिकल शेप्ड वेसल मेड फ्रॉम मेटालिक शीट, राइट सिलिंड्रिकल शेप, ओके, तो सिलिंडर शेप में एक वेसल बनाए थे, समझ लो प्लेट, इज क्लोज्ड बाय कोन शेप वेसल एज शोन इन द फिगर। तो पहले समझ लो ऐसा था, एक सिलेंडर था, ओके, अब इसको ऐसे कोन अंदर की तरफ ऐसे कोन से बना दिए, ठीक है, ढक दिए, इमेजिन करो इसको, यहाँ पे गड्ढा है, राइट, और ये आइस का कोन जो होता है ना, उसके जैसा दिख रहा है, उसको ऐसे इंसर्ट किए, ओके। तो अब बोल रहे हैं द रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ कोन, मतलब दोनों का जो रेडियस है, ये कोन हो या सिलेंडर का, सेम है, और वो कितना दिया है, इट इज 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20, हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब टोटल हाइट दिया ये 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोन मतलब सिर्फ यहां से यहां, ये मैं सी वाई लिख लेता हूँ, और ये हाइट ऑफ कोन सी ओ कितना दिया है,
3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मिल्क टू फिल कंप्लीटली दिस वेजल विजल एट रेट ऑफ 20। मतलब इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ मिल्क स्टोर होगा, राइट है ना, यही पूछे है ना। तो देखो वही पूछे ना, देखो भाई कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मिल्क। अच्छा कॉस्ट पूछ दिए हैं कि देखो अगर 20 रुपया लगता कितने के लिए, 1 लीटर के लिए, तो इसका कॉस्ट पता करो कितना लीटर होगा। मतलब पहले तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है इस वेजल का, फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल। आपको कॉस्ट भी मिल जाएगा, एक तीर से दो निशाना, वही दिया है ना, लीटर वॉल्यूम फाइंड करो कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अगर आप गौर से देखो तो देखो क्या दिया है कि द बॉटम ऑफ राइट सिलिंड्रिकल शेप्ड वेजल मेड फ्रॉम मेटालिक शीट इज क्लोज्ड बाय अ कोन। क्लोज्ड किए मतलब इतना समझ लो ये ऐसे ढक दिए थे इतना, ओके पूरा था उसको अब इतना ढक दिए, कोन क्लोज कर दिए, ठीक है। तो इसमें जो ये अब ऊपर जो समझ लो इसमें मिल्क डालेंगे, तो सिर्फ इतने जगह पे ना मिल्क आएगा, मतलब टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्या आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ ये वेजल क्या होता, पहले तो होता वॉल्यूम ऑफ दो सिलेंडर था, राइट, उसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, वॉल्यूम ऑफ कोन से, है ना, क्योंकि वो कोन का निकाल दे रहा है क्योंकि उसे वो क्लोज्ड है, राइट वही है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या है पाई पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 है। तो देखो आर और पाई दोनों में सेम है, तो पाई और आर स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, एच सिलेंडर का अलग है राइट, क्योंकि यहां पे दिया है 20, तो मैं सी वाई लिखता हूं, और इसका है कोन, ओके तो एच सी ओ लिख लेते हैं इसको। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई को इन लोगों ने कुछ दिया नहीं, तो हम 22/7 ले लेते हैं, ओके रेडियस तो दोनों का सेम था, दैट इज 7 स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन सिलेंडर कितना है, इट इज 20 माइनस ये कितना है, इट इज हाउ मच 3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे थोड़ा छोटा कर देते, तो ये देखो ये एक 7 7 कैंसिल होगा, सो 22 × 7 इंटू ये 20 − 3 क्या होता है 17, राइट तो ये है आपका कितना हो जाएगा, ये 4 होगा 154 × 17 ये आएगा आंसर, ये आएगा आपको आंसर किसमें, आंसर आपको मिलेगा ये सेंटीमीटर क्यूब में, ओके बट हमें चाहिए क्या लीटर में, तो इसको पहले लीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आई गेस आप, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 2618 सेंटीमीटर क्यूब आएगा ये सेंटीमीटर में। बट ये देखो एक लीटर में जो होता है ना 1000 ml, तो सुना होगा ना ml को ही हम बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो ये है कितना सेंटीमीटर क्यूब 2618 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे है ना, तो ये क्या हो जाता है आंसर 2.618 लीटर, इतना लीटर है इसमें कैपेसिटीज का। तो कॉस्ट क्या होगा, तो देखो कॉस्ट दिए थे कि 20 रुपीज पर लीटर, मतलब 1 लीटर का इतना, सो इतने का कितना होगा, सो 20 × 2.618, बस इसको आप इतना कर दो आपको आंसर मिल जाएगा, इंटू 20 करना है खाली, सो इट विल बी अराउंड 52.36 रुपीज, दैट्स ऑल। मेथड समझ में आया आपको, आई होप आप समझ गए होंगे ये। सो अब आगे बढ़ते हैं, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, अगर कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ओके या मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का, देखो क्या दिया है, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है विद ए कोन अटैच्ड एट वन ऑफ द एंड, ये कोन है, एंड टू द अदर एंड हेमिस्फीयर इज शोन इन द फिगर, ऐसे दिया हुआ, ऑल ऑफ देम आर इन द रेडियस ऑफ 7, तो सबका रेडियस सेम है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, इफ द टोटल लेंथ इज 61, मतलब ये पूरा, मतलब इसका अलग होगा, इसका अलग और इसका अलग, इन तीनों का मिला के 61 है, एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 30, अच्छा मतलब सिर्फ सिलेंडर का यहां से यहां जो है सिलेंडर वो 30 है। देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द सॉलिड एट ए रेट ऑफ 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट पूछा है, पेंटिंग करेंगे मतलब पेंटिंग किसको करते हैं, एरिया को, राइट। तो यहाँ पे आपको TSA फाइंड करना है, TSA ऑफ व्हाट द सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड मिक्स्ड है, क्या है देखो, एक तो आएगा आपको, देखो अब जब यहाँ पेंट करोगे तो सिर्फ ये एरिया पेंट करोगे, मतलब ये क्या आ गया, CSA ऑफ कोन आया, राइट, क्योंकि ये बॉटम तो नहीं करोगे ना क्योंकि वो जॉइंट है। फिर CSA ऑफ क्या करोगे, CSA ऑफ सिलेंडर को पेंट करोगे क्योंकि ये जो सर्कुलर पार्ट है वो तो जॉइंट है, हमें बाहर से पेंट करना है ना, राइट, क्योंकि आउटर सरफेस पूछा है। तो जब भी ऐसा दे आउटर मतलब CSA ऑफ जो जो कंबाइन है, और लास्ट में है CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो देखो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है इट इज 2 पाई आर एच, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है इट इज जस्ट 2 पाई आर स्क्वायर। अब सबका क्या क्या कॉमन है, देखो पाई सब में कॉमन है, आर भी सबका सेम है, तो हम निकाल सकते हैं पाई और आर को कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा जस्ट एल, यहाँ बच जाएगा आपका 2h, और यहाँ बच जाएगा आपका 2, एक आर है आर, राइट। तो ये एल किसके लिए, कोन, ये एल अगर गौर से देखो आप तो ये आर है, ये एच है, ये एल, तो एल फाइंड करना है सबसे पहले। इसके लिए एच, तो ये एच तो दिया है 30, राइट, एच ऑफ सिलेंडर इज गिवन, तो इसका टेंशन नहीं है, एच है आपके पास, पहले एल फाइंड करना है, एच दिया हुआ है, और इसमें आर, आर तो दिया हुआ है, तो एच कैसे फाइंड करोगे, इसको अगर आप गौर से देखो तो वो कुछ ऐसे दिखता, ये सेंटर रेडियस कितना है 7, राइट, इसका भी रेडियस 7 है, मतलब ये भी 7 होगा, है ना, ये 7 होगा, और ये ऑलरेडी कितना है 30, तो 30 + 7 37 हो गया, मतलब ये हाइट कितना होता, 61 में से 37 माइनस कर देंगे तो इतना मिलेगा ना, है ना, सो 61 माइनस 37 आप करो तो इधर 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, मतलब ये हो जाता 24, क्या हो जाता 24, हाइट, एच, हाइट ऑफ कोन, आर 7 दिया, हमें क्या फाइंड करना है ये वाला, ये पता नहीं है एल, तो एल कैसे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है 24² + 7² तो ये आपका हो जाता, ये कितना होगा 24, इट इज 576 प्लस ये होता आपका 49, तो इसको ऐड करते तो होता ये 625 जो कि है हमारा 25, तो L मिल गया, कितना मिला 25 सेंटीमीटर, ये इसको बोलते हैं L, L मिल गया। अब सब कुछ है हमारे पास, एक एक करके आपको सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूट करो 22/7 इंटू आर कितना है 7, L कोन, कोन का L मिला अभी कितना 25 प्लस 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 30 प्लस 2 इंटू आर सबका तो सेम है 7। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे छोटा कर लेते तो ये 7 कैंसिल 22 और ये हो जाता है 25 प्लस 60 प्लस 7 टू जब 14 तो ये 22 इंटू इन तीनों को ऐड कर दो तो 9 6 7 8 9 99, राइट, तो 99 इंटू 22 करना है आपको, तो ये 100 के आसपास है, 100 इंटू 220 करते तो कितना मिलता, इट विल बी अराउंड 2200, करेक्ट, बट यहाँ पे 99 है तो 2200 से थोड़ा सा कम होगा, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना, 22 इंटू 99 इट इज अराउंड 2178, क्या है ये TSA, और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में मिला। अब बोला है कि अगर 100, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इफ द कॉस्ट इज ₹10 फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2178 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कॉस्ट हो जाएगा आपका 2178 इंटू 10, अरे किधर गया, ओ ये था ना, हाँ, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 1 × 10 डिवाइडेड बाई 100, अच्छा ये 10 है डिवाइडेड बाई 100 करो तो ये क्या हो जाएगा 0 0 एक तो कैंसिल, सो ये 217.8 रुपीस होता, समझ में आया आपको, ऐसे करना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी उसी तरह का है, यहाँ पे क्या दिया है,
ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, ये कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, बोथ हैविंग सेम रेडियस शोन, द रेडियस ऑफ द बेस इज 7 एंड हाइट इज 9. तो ये हाइट दिया है, बेस दिया है, द टोटल हाइट इज 31, मतलब ये टोटल 31 दिया है. तो देखो यहाँ से यहाँ 9 है, तो टोटल 31 है, मतलब ये कितना होगा, 21 होगा हाइट ऑफ सिलेंडर. फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या होगा, दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. कोन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर एच बाई 3 और इसका है पाई आर स्क्वेयर एच. तो कॉमन क्या लोगे, पाई आर स्क्वेयर एच कॉमन ले लो, राइट. एच कॉमन लोगे नहीं, क्योंकि कोन का हाइट अलग है, तो एच कॉमन नहीं ले सकते, सॉरी. यस, सिर्फ पाई आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा एच बाई 3 और यहाँ बचेगा h. तो देखो ये ध्यान रखना, ये कोन का हाइट है और ये सिलेंडर का, तो सब्सटीट्यूट करो 22 बाई 7 इंटू रेडियस तो 7 है, इंटू 7, 7 स्क्वायर के लिए हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ कोन कितना है 9, सो 9 बाई 3 प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 21. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक 7 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 4 154 और ये 3 3s, तो 21 प्लस 3 इज 24. तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक आप कर सकते हो, ये मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कैलकुलेटर यूज करके, लेकिन आपको सॉल्व करना है. सबके सब मीट सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, है ना इजी. आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना है बस, और कुछ नहीं. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. ये कह दिया ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, ये कोन, ओके ये फॉर्म है, ये लट्टू, अगर उल्टा करके देखते हो ना, तो आपने अगर लट्टू देखा होगा, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे दिख रहा है, तो ये समझ लो एक टॉय था, लट्टू टॉप जो बोलते हैं. इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, रेडियस दोनों का सेम है, द डायमीटर ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 6. तो डायमीटर दिया यहां से यहां 6 दिया, तो रेडियस क्या होगा, इट इज 3 ओनली, राइट. एंड हाइट इज 4 ऑफ व्हाट कोनिकल, यहां से यहां 4 है. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, जस्ट सी ए से लेना जब भी सरफेस एरिया, क्योंकि ये और इसका बाहर से हम पेंट करेंगे, सी ए से ऑफ कोन प्लस सी ए से ऑफ व्हाट हेमिस्फीयर. तो फॉर्मूला क्या है इसका, इसका फॉर्मूला पाई आर एल और इसका फॉर्मूला है 2πr² है ना. तो दोनों में कॉमन क्या है, पाई और आर कॉमन है ना, ले लेते हैं, यहां बच क्या गया एल प्लस 2r, तो पाई क्या है 22/7 इंटू रेडियस 3 है, एल पता नहीं एल क्या होता है, इसको बोलते हैं एल, तो वो फाइंड करना है, ये रेडियस कितना है भाई 3 है, सो एल क्या हो जाएगा रूट ऑफ 4² प्लस 3², तो ये 16 प्लस 9 होता, मतलब रूट 25, मतलब एल कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना. तो एल मिल गया, इट इज 5 प्लस 2 इंटू रेडियस इज 3. तो जब आप सॉल्व करोगे 22/7 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 3 × 6 + 5 = 11, राइट. तो मल्टीप्लाई करो 22 × 11 = 33/7. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 22 × 33 कर लेना पहले, राइट. तो ये 726 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7 कर लेना, है ना, 726 डिवाइडेड बाई 7, तो ये अराउंड 103.7 के आसपास आएगा. यूनिट सरफेस एरिया है, सब सेंटीमीटर में था, तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वेयर, ओके. सो दिस इज द राइट आंसर, ओके. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. सो अगले वीडियो में हम देखेंगे किसका, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड्स, ओके, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन टू अनदर. वो एक्चुअली वॉल्यूम सेम है, वो आपको वहां पे रिप्रेजेंट करके फाइंड करना है, ठीक है. और लास्ट में बनाएंगे फ्रस्टम के ऊपर, ठीक है, जो कि 10th में फाइनल एग्जाम में पूछा गया. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे.
बाय।